हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज मैं एमएड फोर सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, और ये क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2022 का। देखिए, पेपर वन है ये, एडवांस करिकुलम थ्योरी सेकेंडरी लेवल। और इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, एमएड फोर सेमेस्टर का पेपर वन है ये, एडवांस करिकुलम थ्योरी सेकेंडरी लेवल। और इसमें आपको एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है जो शॉर्ट नोट्स का होता है, और अनदर क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, इसके जो शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर वन है, उसमें जो फर्स्ट है वो है फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास का भविष्यवादी मॉडल या प्रतिमान। सेकेंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अवधारणा। थर्ड है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का आदर्शवादी सिद्धांत। फोर्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक का महत्व। इसके बाद है यूनिट वन। यूनिट वन का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म करिकुलम एंड एनुमरेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया की व्याख्या करें। इसके बाद में यूनिट वन का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर द मेन मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, एक्सप्लेन टायलर्स 1949 मॉडल इन डिटेल। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य मॉडल कौन से हैं, टायलर के 1949 मॉडल प्रतिमान का विस्तार से व्याख्या करें। इसके बाद है यूनिट टू। यूनिट टू के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म अप्रोचेज एंड मॉडल ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब द नीड एंड स्कोप ऑफ अप्रोचेज एंड मॉडल ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण और प्रतिमान की व्याख्या करें। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण और प्रतिमान की आवश्यकता और क्षेत्र का वर्णन करें। तो यूनिट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में यूनिट टू का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ करिकुलम, जस्टिफाई दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यक्रम संपादन में क्या अंतर है, सिद्ध कीजिए कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद आता है यूनिट थ्री। यूनिट थ्री के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। पाठ्यक्रम विकास सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को विस्तार में समझाइए। इसके बाद यूनिट थ्री का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर द डिफरेंट करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरीज, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, उनमें से किसी एक को विस्तार से समझाइए। इसके बाद है यूनिट फोर। यूनिट फोर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, What do you mean by curriculum material? Explain the methodology of its development in detail. पाठ्यक्रम सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसके विकास की पद्धति को विस्तार से समझाइए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका एंड द लास्ट क्वेश्चन, Which type of issues are facing by government during curriculum development? Explain them in detail. पाठ्यक्रम विकास के दौरान सरकार को किस प्रकार के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें विस्तार से समझाइए। तो ये यूनिट फोर के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरीके से हमें टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि आप उनकी तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी ज़रूर कीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी तैयारी ज़रूर कीजिए। एंड आई होप कि आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।